गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो ये हमारा होटल था, अच्छा खासा होटल था। मैंने यहाँ का कुछ नहीं दिखाया बिकॉज मैं बहुत थका था। अभी यहाँ से हम सीधा सेट करते हैं मैप दिल्ली का और निकलते हैं हम। बस भैया ये ट्रिप यहीं तक था। सो पूरा मनाली अभी सन्नाटा है, बहुत सारा सपना अधूरा रह गया गाइस, बट कोई नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से। इस बार जब आएंगे तो प्रॉपर और तैयारी के साथ। मौसम वैसे आज साफ है बट आज बारिश दिखा रहा है दोपहर से। आज और कल दोनों दिन मौसम खराब है। और कल जब मैं यहाँ रुका था, इतने लोगों से मैंने बात की कल जब रुका था यहाँ पे। विक्की भाई जो मिले थे एक्सप्रेस वे पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोल रहे भाई बहुत अच्छा किया आप वापस मनाली चले आए, कि आप चले जाते फिर फंस जाते ऊपर जाके, ऊपर भी स्नोफॉल हो रहा है। क्योंकि जो श्रीनगर से बंदे गए हुए हैं वो फंस चुके हैं, श्रीनगर में बारिश हो रही थी और स्नोफॉल हुआ उधर भी, तो वो फंसे पड़े उधर। तो नहीं गए, बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए आपको फ़ोन करता था। मैंने कहा चलो भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हो सकता है मुझे वहाँ जाने नहीं दे रहे हो भगवान कि मत जाओ फंस जाओगे। नहीं तो भाई इतनी दूर में सोचो 1300-1400 किलोमीटर में बाइक चला के वापस घर जाऊँ, ये कहाँ की समझदारी है। मैं चाहता तो रुक भी सकता था लेकिन मैं रुक के क्या करूँगा, दो दिन यहाँ पर वेस्ट करूँगा अपना टाइम रुक के। तो इसके लिए मैंने रुकना बेटर नहीं समझा, मैंने कहा घर पे चलो। क्योंकि और मैं थक भी गया था, 4-5 दिन में लिटरली बाइक चला रहा था। वैसे चलाना तो 10 दिन था लेकिन जब अपन कहीं जाते हैं घूमने, चलते ही जाते तो एक्साइटमेंट में अपन जा सकते थे, लेकिन जब एक्साइटमेंट सारी ख़त्म होती चली गई फिर मन टूटता चला गया। सो मंडी हम पहुंच गए हैं, लेफ्ट, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे नेशनल हाईवे। यार मैं पता नहीं क्या है मेरे अंदर की, मैं सोच के तो रखता हूँ रुकना है लेकिन जब मैं बाइक पे बैठ जाता हूँ तो रुकता ही नहीं हो, बस चलते जाओ। मेरा ये सीन रहता है भैया, फिर भूख प्यास कुछ नहीं, बस चलते रहो आगे, रुकते हैं कहीं तो चाय वाय पीना मुझे। सो भी रुक के रास्ते में चाय वगैरह लेता हूँ बिकॉज थोड़ा सा आलस लगने लगा, नींद लगने लगी थोड़ी थोड़ी, तो चाय पी रहे हैं। 5-10 मिनट रुकते हैं फिर उसके बाद अभी कुछ चंडीगढ़ 150 किलोमीटर के आसपास है, चंडीगढ़ से दिल्ली 300। तो शाम के टाइम दिखा रहा है 3:04 पहुँचाने का दिल्ली का टाइम। अभी चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। बनो ओवरऑल ठीक है, नो प्रॉब्लम, एकदम चकाचक। सो हिमाचल बॉर्डर यहाँ से ख़त्म, यहाँ पे रुकेंगे हम, पानी पियेंगे फिर निकलेंगे। सभी मस्त यहाँ पे रुके थे, एक बाइकर और थे उनसे भी बात बात हुआ, वो भी परेशान होके थे गए हैं, ये भैया लोग जा रहे हैं यात्रा विथ कार्तिक, तो गन्ना का जूस पीने के लिए अपन इधर रुके थे। जो मिल जाए जहाँ मिल जाए उसके साथ ज्वाइन हो लो, यही अच्छा है। थोड़ा सा तरावट आ गई अंदर, अम्बाला कैंट पहुँच गया है आपका भाई। यहीं पर उस दिन पानी बरसना स्टार्ट हुआ था, यहीं से मैं भीगते हुए पूरा मनाली तक गया हूँ, पूरा मनाली में यहीं से भीगते हुए गया हूँ, लग गया था भाई। तो हमको लग रही थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नींद, तो हमने कहा कि रुक के क्यों ना सेंटा फ्रेश खाते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं थोड़ा सा। तो हमने जेब में बहुत ढेर सारे सेंटा फ्रेश भर रखे हैं और ये देखो इसमें कितना गैस भर गया, ये हाई एल्टीट्यूड पर गया था बेचारा इसलिए इसमें गैस भर गया। आगे चल के मुझे और सेंटा फ्रेश लेने पड़ेंगे ताकि नींद ना लगे। आगे वो दो भैया लोग जा रहे हैं जो एक बाइक पे, उनकी कहानी भी अलग है बताता हूँ। उन भैया का सीन ये था, वो दो जन दो बाइक से गए थे जो आगे जा रहे हैं और एक जन की बाइक ख़राब हो गई, वो भी कह रहे थे बहुत बर्फ़ गिर रहा था उनकी बाइक ख़राब हो गई, वो मनाली में बाइक भेज दी अपनी और एक बाइक पर दो जन अब बैठ के जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये सही है,
कह रहे हैं उसने बोला 10,000 लगेगा और मैंने तो 10,000 की बाइक ही बेच दी। मैंने कहा बहुत सही है, देखो जहाज ये कहाँ से लाए यार लोग। मैंने ऐसे दो जगह ढाबे पे देखे थे, दो दो प्लेन खड़े थे, इसके अंदर ना रेस्टोरेंट होता है रूट पे आगे कहीं है दिखाऊंगा अभी। सो 143 किलोमीटर दिल्ली बचा है। ये क्या हुआ भाई, क्या सीन है? ओ जरूर ये नींद में दुर्घटना हुई होगी भाई साहब। सब कुशल मंगल, बच गए, सही है। 143 किलोमीटर बचा है दिल्ली। आपका भाई नॉन स्टॉप बाइक चला रहा है मनाली से, ना मैं चंडीगढ़ रुका ना मैं मंडी रुका ही नहीं रुका हूँ, नॉन स्टॉप बाइक चला ही रहा हूँ। हाँ बीच में मैंने गन्ना जूस पीने के लिए वो मैं रुका था, उसके बाद कहीं नहीं रुका हूँ, केवल चलता ही जा रहा हूँ। और हाँ, और बीच में जहाँ पर मैंने इसमें फ्यूल भरा है खुद से, बस इतना ही रुका मैं और कहीं नहीं चलते जा रहा हूँ। अपने आप को मैं निचोड़ के देख रहा हूँ कितना मेरे में स्टैमिना है बाइक चलाने का। खुद का एक्सपीरियंस पता चलता है कि हाँ एक दिन मैं 500 से 700 किलोमीटर चला लूँगा, 500-600 किलोमीटर तक चला लूँगा बस। अब आज देखना कि आज मैं कितना चला पाता हूँ, क्योंकि आज के आज मुझे यमुना एक्सप्रेस वे से भी निकल जाना है, तो देखते हैं कर पाते हैं नहीं। आई नो मैं ट्रैफिक में तो फंस जाऊंगा दिल्ली में, तो डेफिनेटली श्योर, इतना ट्रैफिक होता है यार। तो अभी रुका हूँ, बहुत तेज से प्यास लगी थी, फिर से मन कर रहा था गन्ने का जूस पीने के लिए, तो इसलिए रुके। और सुबह से मैं बाइक चला रहा हूँ, 5 बजे से कंटिन्यूसली मैं बाइक चलाते जा रहा हूँ। अब जाके रुका हूँ, इसमें दो जगह पर और रुका था फ्यूल अप कराने के लिए, और एक जगह पर और रुका गन्ने का जूस पिया, और दूसरी जगह फिर गन्ने का जूस पी रहे हैं। इसके बाद सीधा निकलेंगे हम दिल्ली, और दिल्ली कुछ मेरे ख्याल से 90-95 के आसपास है, तो आज के आज दिल्ली तो मार देंगे। फिर हम स्टे करेंगे कहीं यमुना एक्सप्रेस वे के पास, फिर रात के रात निकल जाएंगे, रुकेंगे कहीं नहीं, नॉन स्टॉप आपका बाइक चलाएगा। अपने आप को देख रहा है कितना मेरे अंदर क्षमता है बाइक चलाने की। अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं टायर्ड हो सकता हूँ, अब नहीं हो रहा है, जब तक मेरे अंदर पावर रहेगी अपन चलाएंगे। यहाँ पे हमारा गन्ने का जूस निकल रहा है, भैया लगे हुए हैं। दिल्ली से बाहर निकलने का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है, मुझे नोएडा वाला रूट पकड़ना है यमुना एक्सप्रेस वे, तो उसका डिस्टेंस पता क्या था, 110 किलोमीटर। यानी कि भाई मैं गोरखपुर अपने अपने मामा के वहाँ पहुँच जाऊँगा, अपने सिस्टर के वहाँ पहुँच जाऊँगा उतनी देर में, तो जितनी देर में बाहर आया 80 किलोमीटर मैंने 50 मिनट में कवर किया। मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार इतना जल्दी कैसे कवर हो गया, क्योंकि रूट खाली है भाई, दबा के अपन चलाते हैं। मैं पता है क्या, किलोमीटर नहीं देखता, मैं टाइम देखता हूँ, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। अगर किलोमीटर देखा ना तो मैं पक जाऊँगा, बोर हो जाऊँगा, गाड़ी चलाने का मन भी नहीं करेगा, मैं केवल देखता हूँ टाइम। अब यहाँ से बाहर निकलते निकलते बड़ा टाइम लग जाएगा, ये दिख गया बस। वैसे इस तरफ पूरी फिल्म सिटी है, जो न्यूज़ वगैरह आता है, जो ब्रॉडकास्ट होता है, वो सारा इधर से आता है। यहाँ लिखा फिल्म सिटी, आगे आगरा, इस रूट पर हमको जाना है। अब बहुत ट्रैफिक है यार, मैं पक गया हूँ चला चला के, मेरे बम दुख रहे हैं। मैं सुबह के 5 बजे से बाइक चला रहा हूँ, मैं 13-13.5 घंटे में बाइक चला चुका हूँ, अब मुझे चाहिए रेस्ट। मैं सोच रहा हूँ जब अपन एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे ना, फिर कहीं पे अच्छा सा होटल देखूँगा, रेस्टोरेंट, वहीं पे रुकेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सुबह से लगे आज शाम तक का लंच और डिनर एक साथ में हो रहा है। अब जाके मैं अपना लंच और डिनर एक साथ में कर रहा हूँ। फर्स्ट रख लिया गया है, ये फर्स्ट फूड प्लाजा है एक्सप्रेस वे का, मैंने कहा यहीं पे खा के निपटा लेते हैं, फिर आगे खाएंगे नहीं, दबा के चलाएंगे बाइक। भूख बड़ी तेज़ लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, केवल गन्ने का जूस पी पी के काम चला रहे थे। हमारा जो खाना है वो एज यू कैन सी डिनर और लंच दोनों एक साथ में आ चुका है, अपने खाने को एंजॉय करते खाते हैं, फिर यहाँ से भी फटाफट करके निकलते हैं। और बस यही कोशिश रहेगा कि आज कैसे भी करके मैं लखनऊ पहुँच जाऊँ, या फिर अगर नहीं हो पाएगा तो अपन आगरा के आसपास स्टे करेंगे, फिर देखेंगे क्या करते हैं। अभी फटाक से अपन खाना खाते हैं। शॉप तक का ये 3रा टोल नाका है, और बस कुछ ही देर में आगरा पहुँचने वाला हूँ मैं। 23 किलोमीटर आगरा है। आगरा एक्सप्रेस वे छोड़ते हुए
अब हम कनेक्ट हो रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ आगरा लखनऊ, सॉरी भूल गया था, ये मैं रास्ता छोड़ रहा हूँ। ये पता नहीं कहाँ जाता, शायद कोलकाता की और कहीं मथुरा उथुरा वगैरह जाता है कुछ। अब हम इस रूट पे कनेक्ट हो रहे हैं। वैसे अभी ये जो कार वाला यार इतना गंदा इसने कट मार के गाड़ी किनारे लगाया ना, क्या बताऊँ। आप थोड़ा सा अच्छा लगा लाइट देखने को, पूरा रास्ता अंधेरा अंधेरा था, अब जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी आई। सो गाइस ये फोर्थ टोल प्लाजा है, यहाँ पे भी साइड टोल लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं एकदम लिटरली थक गया हूँ, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है यार। प्रभु शंकर महाराज की जय, हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। चैन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, बिकॉज चैन थोड़ी सी सूख चुकी थी, तो मैंने कहा चैन थोड़ा सा ल्यूब कर देते हैं। आवाज़ वैसे नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने चैन को ल्यूब कर दिया। अब जाके मैंने चैन निकाला है, मैंने सोचा चलो इसका भी आनंद ले लें, कमर सीधी कर ले बैठ के। थोड़ा नेक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था। कंटिन्यूसली मैं बाइक चला रहा हूँ अभी, लखनऊ शायद 300 के आसपास कुछ ऐसे करके हैं, 280 करके ऐसे कुछ हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं फिर उसके बाद निकलेंगे। अभी मैं स्नैकर्स खा रहा हूँ, खाऊँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, ऐसा सीन हो गया। तो बस यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। बाइक पे सारा सामान फिर से मैंने लोड कर दिया, कुछ सामान जो रखना था, कुछ निकालना था, तो ये सब सारा हो गया। 5 मिनट बाद यहाँ से भी 10 मिनट बाद निकलते हैं, पावर नैप लेकर 10-15 मिनट का पावर नैप लूँगा, फिर यहाँ से भी अपन 15-20 मिनट से। तो मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और उतने में कम से कम 4-5 जन आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, खुद भूल चुके हैं। और कहते हैं यार ऐसे देख के बड़ा खुश होते हैं हम, जब कोई राइडर मिलता है तो मुझे भी ऐसे खुशी मिलती थी जब कोई किसी राइडर को मैं देखता था, सेम खुशी उनको भी मिल रहा है जो मुझे देख रहे हैं। ऐसे सामान वामान बाइक पर देख रहे हैं, पूछते कहाँ से आ रहे बताता हूँ, ऐसे खुशी मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई पूछता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा नींद यहाँ लगने लगा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ टेंट लगाऊँ या मैं कहीं और टेंट लगा के सोऊँ। एक सोने का ही मन कर रहा है मेरा, बाइक चलाने का नहीं मन कर रहा, देखता हूँ। या फिर आगे फूड प्लाजा पे चल के कहीं लगाएंगे टेंट, लगाएंगे सोएंगे आराम से, क्योंकि अभी बाइक चलाने का मूड नहीं। सो वापस से सारा सामान मैंने रख दिया बाइक पे, अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ रुकना है। नींद तो लग रही है, लेकिन टाइम से पहुँचना दिए घर, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। थोड़ा सा अब लेजी लेजी सा होने लगा, क्योंकि सुबह से मैं बाइक चला रहा हूँ, थक गया हूँ, फटाक से निकलते हैं। ऑटो सो लग गई थी भूख, हमने कहा कुरकुरे को कुरकुरा कर देते हैं खा के। अभी 200 किलोमीटर लखनऊ में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे निपटा देंगे। अभी तक मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका आवाज़ ही नहीं आया, किस्मत ही खराब है, कोई नहीं। ये GoPro कभी ना कभी ऐसा धोखा देता है ना, ऐसा धोखा देता है कि दिमाग ख़राब है, मन करता है कि उठा के फेंक दो साले को। मैंने इतना व्लॉग किया, मोटो व्लॉग किया, बोला, बट एक भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं किया इसने।